इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व्स इन फिगर कैन नॉट पॉसिबली, नॉट मतलब नेगेटिव हमें देखना है कि कौन नहीं कर सकता, कैन नॉट पॉसिबली डिस्क्राइब द इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स. हियर आर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू. आइए इलास्टिक कोलिजन कराते हैं बॉल्स का. ये दो बॉल्स हैं, इनमें इलास्टिक कोलिजन कराने के लिए इनिशियल कंडीशन और ओनली कंडीशन है कि यू वन शुड बी ग्रेटर देन यू टू. एक पॉइंट के बाद क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ये बॉल्स कोलाइड होती हैं और कोलाइड ऐसे होती हैं कि आवाज़ आती है. और इस वक्त जब कोलिजन जब स्टार्ट होने वाला है तब इनके बीच में जो दूरी है इसको हम आर मान लेते हैं, जो कि 2R के बराबर है. हमें बॉल्स का रेडियस जो है वो कैपिटल आर अकॉर्डिंग है आर के डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉल्स. हमने ऐसे वही लिया स्मॉल आर इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉल्स. और हमें एक्स एक्सिस से क्लियरली दिख रहा है कि बॉल्स का जो अपना रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो आर इक्वल्स टू 2R आ जाता है हमारा. अब यहाँ से नोटिस करिए, मैंने बताया है कि इलास्टिक कोलिजन के दौरान क्या होता है कि ये बॉडीज एक दूसरे को दबाती हैं और हल्की सी एक दूसरे में एम्बेडेड हो जाती हैं इस तरीके से, मतलब एक दूसरे को डिफॉर्म करती हैं. दिस डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, डिफॉर्मेशन. और डिफॉर्मेशन जब होना शुरू होता है तब एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होना शुरू होती है, क्योंकि ये खुद नहीं हो सकता था. अगर अच्छे लगे बॉल खुद ही डिफॉर्म हो जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है. लेकिन खुद जो नहीं होता और बाहर से कराया जाता है तब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है. तो ये जब चिपक गई एक दूसरे से फिर एक दूसरे को डिफॉर्म करने लगी, हालांकि क्योंकि इलास्टिक कोलिजन ये एक दूसरे की बाद में एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज भी करेंगी, यही कारण होता है कि जुदा हो जाती है वी वन और वी टू. जब ये रिलीज करती है, देखो ये हमारा इंटरनल फोर्स होता है, ये वाला फोर्स इस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है इसलिए इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, और ये वाला फोर्स बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए स्पीड ये वाली चीज डिक्रीज होती है, ये वाली स्पीड इंक्रीज होती है. आई डोंट रिमेंबर, मैंने गलती से इसके लिए डिक्रीज ना बोल दिया, सुन लीजिए. ये वाला जो नॉर्मल फोर्स है इनके बीच में इंटरनल का एक हिस्सा इस बॉल पर इसी की दिशा में लग रहा है, तो ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा. दैट इज वाई जब हम दो बॉडी सेपरेट होती है तो वी टू इज ग्रेटर देन वी वन. ना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है कब, व्हेन आर इज लेस देन 2R. जैसे ही दबना चालू हुई 2R से कम डिस्टेंस होना शुरू हुआ दो सेंटर्स के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई. और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इंक्रीज ही होगी, किसी पॉइंट पर घटने वाली नहीं है, ठीक है, पूरी अपनी मैक्सिमम तक जाएगी, बिल्कुल मैक्सिमम तक. और मैक्सिमम कहाँ हो सकती है, जब बिल्कुल ही ये ऐसे चिपक जाए बिल्कुल सेंटर, जब आर ऑलमोस्ट जीरो तक पहुंच जाए तो मैक्सिमम हो जाएंगी, बाद में रिलीज होना चालू होंगी, जिसके बारे में यहाँ पे ग्राफ में नहीं दिखाया है, क्योंकि ग्राफ जो है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को लेकर है, वी को पोटेंशियल एनर्जी से दिखाया गया है. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगा ग्राफ में. अब हमें इस बात का ये देखना है ग्राफ्स में कि कौन कौन से ग्राफ गलत है, ठीक है, और हमें देखना क्या कि जब आर लेस देन 2R होता है तब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है. आइए देखते हैं. और आर इक्वल टू 2R पर, जब R इक्वल टू 2R है तब कोई दबना चालू नहीं हुआ है, इसलिए इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ्स को देखकर उन कर्व्स को कैंसिल करेंगे जहां 2R पर कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि 2R पर तो दबना चालू नहीं हुआ ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होनी चाहिए. आइए यहां 2R पर पोटेंशियल एनर्जी है गॉन, यहां 2R पर पोटेंशियल एनर्जी है गलत, यहां 2R पर जीरो है, ये हो सकता है सही हो. देखो बढ़ भी रहा है, ये बढ़ भी रहा है, लेकिन सिर्फ कैपिटल आर के बाद ये घट नहीं सकता. पोटेंशियल एनर्जी की जब तक ये आर के अंदर है, जब तक आर के अंदर ग्राफ दिखा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी घटने का कारण ही नहीं है. अगर बॉल दबती चली जा रही है और ये ग्राफ ये कह रहा है कि जीरो तक हो सकता है, मतलब दो बॉल है बिल्कुल समा सकती हैं दूसरे के अंदर, तो पोटेंशियल एनर्जी तो भयानक रूप से बढ़ना नहीं चाहिए फिर तो ये भी गलत है. ये यहां तक तो सही था, उसके बाद घटना नहीं चाहिए था, क्योंकि दबने के कारण से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ ही सकती, तो ये भी गलत हो गया. सिमिलरली इसमें भी एक कारण देख लो, यहाँ पे 2R से कम तो ठीक जा रहा था, उसके बाद ये घटना चालू हो गई, गलत हो गया. अब यहाँ बात करते हैं इस वाले कर्व की, इसमें देखिए इसमें 2R पर जीरो है और ये
सिर्फ एक ही चीज दिखा रहा है वेरिएशन, सिर्फ बढ़ने का, कैसा होगा? तो ये बिल्कुल सही है। इसमें भी प्रॉब्लम है कि 2R पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी, ये भी गलत है। तो यहाँ 5 ग्राफ्स गलत थे, एक सही था। रीजन क्या था? 2R से कम होने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और सिर्फ वो इंक्रीज ही होती है। दैट इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन।